करना चाहूंगा, मेरी हैप्पी आई एम रियली हैप्पी। कपूर खानदान में जश्न का माहौल है, नीतू कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब भाई बात ही ऐसी है, बहू आलिया और बेटे रणवीर को प्यारी सी बेटी हुई है। नीतू कपूर दादी बन गई हैं। आलिया ने जब से नन्ही सी परी को जन्म दिया है तभी से बधाई संदेश देने वालों का तांता लग गया है। बेटी के पैदा होने के बाद पहली बार नीतू कपूर पेपराजी के कैमरे में स्पॉट हुई है। बातचीत में उन्होंने बताया कि बेबी गर्ल किस पर गई है और आलिया की तबीयत कैसी है, किस पर गई है बेबी की शक्ल। नीतू कपूर पेपराजी के सामने खड़ी हो गई और शुरू हो गई सबकी बातचीत। नीतू जब भी पेपराजी से मिलती हैं बड़े प्यार से बात करती हैं, वहीं पैप भी उनके काफी रिस्पेक्ट करते हैं। नीतू ने एक कैमरामैन से उनकी तबीयत पूछी जिसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। पेपराजी ने नीतू से पूछा कि आलिया रणवीर को बेबी गर्ल हुई है, आपको कैसा लग रहा है। इस सवाल पर नीतू कहती है कि तुम लोग हमेशा मुझसे ऐसा क्यों पूछते हो, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। इसके बाद पेप्स पूछते हैं कि किस पर गई है बेटी। नीतू ने कहा कि अभी सुबह ही तो हुई है, आज ही, अभी बहुत छोटी सी, ना तो पता नहीं, अभी बहुत क्यूट है। बातचीत में नीतू के चेहरे पर झलकती खुशी देखने लायक थी। कैसा है आलिया का हाल? नीतू ने बताया कि आलिया बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बेहद अच्छी है। डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज की जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन नीतू के मुताबिक आलिया जल्द ही घर आ जाएंगी। अस्पताल से घर लौट रही नीतू कपूर के चेहरे पर खुशी के साथ साथ थकान भी काफी झलक रही थी। पैप से बातचीत में नीतू ने कहा कि रणवीर पापा बन गया है। फिल्म जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।